में मौसम का मिजाज बदल गया है। दिन भर की तपिश के बाद इंद्रदेव अब मेहरबान नजर आ रहे हैं। जोधपुर के अलग अलग क्षेत्र में बारिश हो रही है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश हो रही है। बारिश होने से आमजन को गर्मी से भी राहत मिलती नजर आ रही है। जोधपुर में बदला मौसम का मिजाज। दिन भर की तपिश के बाद इंद्रदेव हुए मेहरबान। अलग अलग क्षेत्रों में बारिश हो रही है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। बारिश होने से आमजन को भी गर्मी से मिली राहत। मौसम का मिजाज बदला। कहां जोधपुर में तेज धूप पड़ रही थी, तपिश से लोग परेशान थे, और अब बारिश। जोधपुर से सहयोगी राकेश हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। राकेश, अचानक से जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, मौसम भी बदल गया और लोगों को राहत भी मिल गई। क्या कुछ कहता है जोधपुर का मौसम और मौसम विभाग? राकेश, राकेश आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? सर फोन कट गया था। चलिए तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। पहले तस्वीरें देखिए, फिर राकेश से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे जोधपुर के बदले हुए मौसम के मिजाज के बारे में। राकेश क्या कहता है जोधपुर का मौसम और मौसम विभाग? तस्वीरें दिखाइए जरा। देखिए, जिस तरीके से दिन भर की तपिश के बाद अब जो मौसम सुहावना हुआ है, बारिश जो है वो धीरे धीरे शुरू हो गई है। आपको कैमरे से भी कहूँगा कि वो बताएं यहाँ का दृश्य किस तरीके से जो मौसम है, काले बादल छाए हुए हैं पूरी तरीके से और काले बादलों के साथ जोरदार जो है वो बारिश हो रही है जोधपुर, पूरे जोधपुर में हो रही है। जोधपुर का कोई भी क्षेत्र, चाहे वो रतनाडा हो, बासनी हो, बनाड़ हो, महामंदिर हो या शहर का भीतरी हिस्सा, सब जगह झमाझम बारिश हो रही है। और मौसम विभाग की माने तो अगले 3-4 दिन जो है वो लगातार जो है बारिश का अलर्ट है। लेकिन कल भी थोड़ी सी बारिश हुई, लेकिन कल के बजाय आज जो है वो बारिश तेज़ हो गई है। पूरे जोधपुर शहर में जो है मौसम सुहावना हो गया है। सुबह से ही जो है सूर्यदेव की तपिश थी और करीब 41 डिग्री का टेम्परेचर था, लेकिन अब जो मौसम है वो पूरी तरह से सुहावना हो चुका है। देख सकते हैं आप, काले बादल है और इंद्रदेव जो है पूरी तरह से मेहरबान है। सड़कों पर भी पानी जमा होना शुरू हो गया है। लगातार जो है इस तपिश से अब जो है वो राहत मिलनी शुरू हुई है। मौसम विभाग भी ये कह रहा है कि अगले 3-4 दिन तक लगातार जो है वो बारिश होगी जोधपुर संभाग में। बिल्कुल बारिश होगी और इस बारिश का असर हर वर्ग के ऊपर बताइए, किसानों के लिए बताइए, और अब तो स्कूल भी खुल गए हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर बताइए, और उन लोगों के लिए खासकर जिस तरीके जिनके, से बारिश जिनके सर पर आशियाना नहीं है। राकेश, देखिए बारिश जिस तरीके से हो रही है, बारिश का निश्चित रूप से प्रभाव हर वर्ग पर पड़ेगा। खास तौर से जो किसान हैं उनको राहत मिलेगी इस बारिश से, किसानों को काफ़ी राहत मिलेगी। फसलों को जो उम्मीद लिए बैठे हैं उनको काफ़ी बारिश से उम्मीद है कि आने वाली जो ये बारिश है उससे उनकी फसलों को जो है बोने का टाइम आ गया। खेतों में जो उन्होंने हल चला दिए हैं, लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से वो फसलों को जो क्रॉप है उसको लगा नहीं पाए थे। लेकिन अब जब बारिश हुई तो निश्चित रूप से किसानों के लिए ये बारिश राहतमंद रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर निगम की बात करें, ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, राकेश, वो तो ठीक स्थिति में है ना? स्थितियां बिगड़ती हुई तो नजर नहीं आएंगी ना? देखिए, शहर का ड्रेनेज सिस्टम की अगर बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम जो है, पिछले दिनों जब बारिश हुई थी तो हादसा भी हुआ, एक युवक बह भी गया था नाले में, उसके बाद कुछ नालों को साफ जरूर किया गया, लेकिन ये बरसाती पानी है। ड्रेनेज सिस्टम जो है जोधपुर हो या अन्य शहर का हो, ड्रेनेज सिस्टम जब बारिश होती है तो निश्चित रूप से ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाता है। सड़कों पर जो है खास तौर से जो निचले स्तर के जो क्षेत्र हैं वहाँ जो है जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और लोगों को काफ़ी दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, नगर निगम ये दावे करता है कि ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल सही है, लेकिन अभी भी जो है। चलिए, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।